नमस्कार प्यारे साथियों, तो वेलकम टू द एक्साइटिंग सेशन ऑफ खजूरिया जेबीजीबी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके प्यारे विशाल खजूरिया सर की क्लास में। तो कैसे हैं आप सभी, आज टुडे आज क्या होने वाला है दोस्तों? आज होने वाले हिमाचल प्रदेश के जबरदस्त सवाल। बैकग्राउंड में लगा है हिमाचल प्रदेश का पराशर मंदिर, जो कि मंडी जिला में है, जो पगोड़ा शैली में बना हुआ है। और सामने लगी पद्म संभव जी की तस्वीर, जो कि रिवाल्सर से संबंधित है। सेशन की शुरुआत करते हैं एमसीक्यूज द्वारा। हिमाचल प्रदेश के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चंस हैं, आप सभी के सामने लाया हूं। आपके लिए पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर, यह सीधा ही पहला सवाल होगा। उसके बाद कल के सवाल का उत्तर क्या होगा, जो कल का सवाल आया है, जो कल के सवाल का उत्तर आया है उसका आंसर क्या है। बेसिकली द थिंग इज दैट कल के सवाल का उत्तर क्या है, वो जो मंदिर मैंने नाम लिया था उसका आंसर कांगड़ा होगा, ज्वालामुखी के पास से जस्ट 2-3 किलोमीटर दूर है। ठीक है, तो टेढ़ा मंदिर कहां पर है, ये कांगड़ा जिला में है। आज भी एक मंदिर पूछा जाएगा। देखिए मैं ना स्क्रीनशॉट ऐड करना भूल गया, उसके लिए क्षमा चाहता हूं, कल मैं जरूर कर दूंगा और आप लास्ट क्वेश्चन का आंसर जरूर देंगे। चलिए थैंक यू सो मच, आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, सीधा ही, कोई मोटिवेशन नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो सेशन को लाइक कर दो आप, बस यही है, इतना चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं, बाकी चलिए हाँ स्वयंवर में चल रहे हैं। ठीक है, कहता प्राचीन काल में नगरकोट के किले का निर्माण किसने करवाया था, हु बिल्ड द फोर्ट नगरकोट इन एंशियंट टाइम्स? जगदीश चंद, सुशर्मचंद, संसार चंद, इनमें से कोई भी नहीं। समय समाप्त हुआ आपका। तो नगरकोट का किला जो है वो कांगड़ा किला कहलाता है। अगर मैं बात करता हूं, नगरकोट जो है ये प्राचीन काल में त्रिगर्त राज्य में बना था, तो ये सुशर्मचंद्र ने बनाया था। सुशर्मचंद्र ऑप्शन बी इज राइट आंसर, सुशर्मचंद्र। ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से आगे बढ़ते हैं, हर हर महादेव के नाम से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए कहता सुशर्मचंद्र इज राइट आंसर। तो सुशर्मचंद्र ने कांगड़ा की जो त्रिगर्त है इसके राज्य की स्थापना की थी। इसके ये 234वें राजा थे। ठीक है, चलिए ठीक है, अपने अपने तो कटोचबंध की स्थापना भी इन्होंने की थी। रस्किन बॉन्ड का जन्म कहां हुआ था, फटाफट से बताएं। कहता है रस्किन बॉन्ड का जन्म कहां हुआ था, वेयर वॉज रस्किन बॉन्ड बॉर्न? मुरंगला में, ठियोग में, कसोल में, कसोली में, फटाफट से बताएंगे 10 सेकंड इन द कमेंट सेक्शन। बहुत बढ़िया एचपीपीएससी, मंजू शर्मा, आरती सपना देवी, सुलक्षणा, शालू राणा, बहुत बढ़िया इन द कमेंट सेक्शन, बहुत बढ़िया तरीके से। रस्किन बॉन्ड का जन्म कहां हुआ था, समय समाप्त, उसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कसोली इज द राइट आंसर। तो खीर खाई हमने इन द कोली, तो रस्किन बॉन्ड का जन्म हुआ था इन द कसोली। तो रस्किन बॉन्ड का जन्म 1934 में हुआ था। क्या हुआ था, 1934 में हुआ था भाई, 1934 में। सोलन का एरिया कितना है, 1936। ठीक है, तो 2 ही साल का फर्क है, तो 2 साल का फर्क नहीं, यानी कि 2 का फर्क है यूनिट का। तो कसोली में है, पहले ये पंजाब स्टेट एजेंसी में आता था, ठीक है, पर अब सोलन जिला में है, हिमाचल प्रदेश में है। ये इन्होंने पढ़ा कहां से, पढ़े रस्किन बॉन्ड, ये बिशप कॉटन स्कूल से पढ़े हुए। कहते मुगल सम्राट अकबर का समकालीन चंबा का रियासत का राजा कौन था, साहिल वर्मन, प्रताप वर्मन, गणेश वर्मन या तिलक वर्मन? फटाफट से बताएंगे, क्विकेस्ट इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, क्या कहता है, मुगल सम्राट अकबर का समकालीन राजा कौन था, तो इसका है प्रताप वर्मन, इसका राइट आंसर है प्रताप वर्मन। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत बढ़िया। कहते 14वें दलाई लामा द्वारा ताबो मठ में 21वां चक्र महाअभिषेक कब आयोजित हुआ था, When was the 21st Chakra Mahabhishekam held at Thabo Monastery in the 14th Dalai Lama? तो 14th Dalai Lama जो है वो 1959 में जो है ये आए थे हिमाचल प्रदेश में, यानी कि इंडिया में भी धर्मशाला में आए थे। 1959, 1966, 1962, 1996, फटाफट से बताइए। 14वें दलाई लामा ताबो मठ में 21वां चक्र महाअभिषेक कब आयोजित हुआ, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन जो है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया इसका राइट आंसर। ठीक है, बहुत बढ़िया, तो 1959 नहीं होएगा। ठीक है, 1959 नहीं होएगा, नो, 1959 नहीं होएगा, नो, तो 1996 इज द राइट आंसर है, 1996 इज द राइट आंसर। चलिए कहते परशुराम का संबंध हिमाचल प्रदेश की किस झील से है, ठीक है, परशुराम का संबंध हिमाचल प्रदेश की किस झील से है, फटाफट से बताएंगे। कहता परशुराम इज रिलेटेड टू विच लेक ऑफ हिमाचल प्रदेश, निर्मंड, नौनी, जमदग्नि या रेणुका? तो समय आपका सवाल रहे, देखिए रैपिड फायर होगा सब कुछ, रैपिड फायर। तो परशुराम का संबंध हिमाचल प्रदेश की किस झील से है, उसका राइट आंसर क्या है, निर्मंड झील, जमदग्नि या रेणुका? इसका राइट आंसर क्या है, रेणुका झील से है, ऑप्शन जो है ऑप्शन डी इज राइट आंसर। कहता कांगड़ा से गोरखों को बाहर निकालने के लिए राजा संसार चंद को किसकी सहायता लेनी पड़ी थी, कहता कांगड़ा से गोरखों को बाहर निकालने के लिए राजा संसार चंद को किसकी सहायता लेनी पड़ी थी, फ्रॉम विच द राजा संसार चंद हैव टू टेक हेल्प टू ड्राइव द गुरखास फ्रॉम कांगड़ा, जस्सा सिंह, रामगढ़िया, गुरु गोविंद सिंह, महाराजा रंजीत सिंह, नेम से कोई नहीं, जल्दी से बताएं। देखिए सेशन को लाइक करते हैं, 92 बच्चा लाइव है, 92 लाइक करा दो बस, दैट्स इट, और कुछ नहीं चाहिए, बस से बराबर बराबर लाइक हो जाने चाहिए, बस दैट्स इट।
समय समाप्ति उसका राइट आंसर है। तो 1809 में जो है कांगड़ा से गोरखाओं को निकालने के लिए राजा संसार चंद ने, ठीक है, 1809 में संधि करी थी, ज्वालामुखी संधि जिसको बोलते हैं, तो महाराजा रणजीत सिंह के बीच में करी थी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, 1809 में, ठीक है। तो महाराजा रणजीत सिंह ने बहुत मारा था उनको। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहाड़ी नेताओं के राजनीतिक गुरु किसे माना जाता है? हु इज कंसिडर्ड द पॉलिटिकल गुरु ऑफ पहाड़ी लीडर्स? बाबा कांशीराम, दिवाकर दत्त शर्मा, पहाड़ी गांधी या शेरजंग? पहाड़ी नेताओं के राजनीतिक गुरु किसे माना जाता है? ठीक है, तो समय समाप्त हुआ। शेरजंग जो है इसका राइट आंसर, ऑप्शन डी इज राइट आंसर, शेरजंग इसका राइट आंसर। चलिए, कहते वन्य जीव सूचना एवं शिक्षा केंद्र कहां पर स्थित है? वन्य जीव एवं शिक्षा केंद्र कहां पर स्थित है? वेयर इज द वाइल्ड लाइफ इंफॉर्मेशन एजुकेशन सेंटर लोकेटेड? पालमपुर, सोलन, समरहिल, मनाली? फटाफट बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एक्सलेंट। इन द कमेंट सेक्शन, वन्य जीव सूचना एवं शिक्षा केंद्र कहां पर स्थित है? समय समाप्त, इसका राइट आंसर है आपका ये मनाली शहर में, ऑप्शन डी वन्य। वेयर इज द वाइल्ड लाइफ इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन सेंटर कहां पर है? ये इट्स इन द मनाली, इट्स इन द मनाली। चलिए आगे बढ़ते। तो कहता है कोबड़ा गर्मा पानी का चश्मा हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? कोबड़ा हॉट वाटर स्प्रिंग इज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो ये चंबा है, मंडी, शिमला, कांगड़ा। तो इट्स इन डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है आपका कोबड़ा गर्म पानी का चश्मा। कांगड़ा के एरिया 5739 स्क्वायर किलोमीटर का है और ऑप्शन जो है वो डी राइट आंसर, कोबड़ा गर्म पानी की चश्मा, ऑप्शन डी है। कहता है विकलांगों के लिए आईटीआई हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर स्थित है? आईटीआई फॉर हैंडीकैप इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश? सोलन आईटीआई, शिमला आईटीआई, पोंडा साहिब आईटीआई, सुंदरनगर आईटीआई? फटाफट बताइए। तो कहता है विकलांगों के लिए आईटीआई जो है हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? जल्दी से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, देख लिया, कोई बात नहीं। समय समाप्त, सुंदरनगर आईटीआई इज राइट आंसर, ऑप्शन सुंदरनगर आईटीआई इज राइट आंसर है। तो विकलांगों के लिए हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर? सुंदरनगर में एक आईटीआई है, ठीक है, कॉलोनी में स्थित है, ठीक है, तो कॉलोनी में, सुंदरनगर की कॉलोनी में, बीबीएमबी कॉलोनी में, वहां पर यह स्थित है। आगे बढ़ते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम एवरीवन, जय श्री राम, ठीक है। ज्योति ठाकुर, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, कहते चंबा के किस राजा ने नाडा राजनगर नामक महल का निर्माण करवाया था? विच किंग ऑफ गॉट द प्लेस नेम नाडा राजनगर कंस्ट्रक्टेड? राजा युगाकर वर्मन, राजा, ठीक है, विग्ध वर्मन, या उम्मेद सिंह, या राजा डोडका वर्मन, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूं, ऑप्शन सी उम्मेद सिंह ने करवाया था। नाडा राजगर महल का निर्माण जो है वो राजा उम्मेद सिंह ने चंबा में करवाया था। चंबा में रंग महल की नींव जो है उम्मेद सिंह ने ही रखी थी। इन्होंने अपनी मृत्यु के बाद सती ना होने का आदेश जो है वो छोड़ रखा था। उम्मेद सिंह की मृत्यु 1764 ईस्वी में हुई थी। चलिए, कहता है उद्यान एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौनी का नाम किस व्यक्ति के ऊपर रखा गया है? आफ्टर होम द यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री नौनी इज फॉर्म? सीएसके, वाईएस परमार, कांशीराम, वीरभद्र सिंह? बहुत बढ़िया। कहता है आफ्टर होम द यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री नौनी नेम्ड? बहुत बढ़िया, श्वेता लड्डू, कांका, दिमान, शालू राणा, द ट्रेवलर, मोनिका नीतू, मंजू शर्मा। बहुत बढ़िया तरीके से क्वेश्चन। After whom the University of Horticulture and Forestry Noni is named? तो समय समाप्त हुआ। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में नोनी क्षेत्र स्थित जो है उद्यान एवं वानिकी विश्वविद्यालय का नाम यशवंत सिंह परमार के नाम पर रखा गया है। ऑप्शन जो है यशवंत सिंह, वाई एस परमार इज राइट आंसर, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। प्राचीन समय में कुल्लू का मुख्यालय कहां पर था? ठीक है, तो ये भुंतर में था, नग्गर में था, मनाली में, जगतसुख। तो कुल्लू की बात करते हैं, कुल्लू का कुल्लूत रियासत बोला जाता था। कुल्लू को कुल्लूत रियासत बोला जाता था, ठीक है, कुल्लूत रियासत। कुलूत रियासत कहां से नाम लिया गया है? ये कुलांत पीठ से नाम लिया गया है, ठीक है, कुलांत पीठ से, कुलांत पीठ से नाम लिया गया है। तो कुल्लू नाम कुलांत पीठ से लिया गया, कुल्लू का रेफरेंस कहां से लिया गया? कुलांत पीठ नाम से लिया गया। तो कुलांत पीठ जो है उसी से कुलूत रियासत है। कुलूत रियासत की स्थापना किसने की थी? बिहंग मणिपाल ने, ठीक है, किसने की थी? बिहंग मणिपाल ने। तो ये कुल्लू में है इसका मुख्यालय, जगतसुख में, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। बिहंग मणिपाल कहां से था? ये आपका अलाहाबाद से था। कहां से था? अलाहाबाद से था। देखिए दोस्तों, कल आपके टेस्ट होंगे, ठीक है, जो बच्चे प्रेपरेशन कर रहे हैं सबके टेस्ट होंगे, देखते हैं आपकी प्रेपरेशन कहां पहुंची। फ्री वाले बच्चों के लिए भी, जो बच्चे यूट्यूब पे पढ़ते हैं उनके लिए भी फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस होंगी, ठीक है। तो कल टेस्ट ही टेस्ट होंगे, क्या आप लोग तैयार हैं? कल हर एक सब्जेक्ट का टेस्ट होगा, एवरी सब्जेक्ट का, हर एक सब्जेक्ट का, ठीक है। चलिए, जगत सुख इज द राइट आंसर। कहते किस मेले में नाई द्वारा गांव वालों को शीशा दिखाने की प्रथा प्रचलित है? इन विच फेयर इज द प्रैक्टिस ऑफ द बार्बर शोइंग द मिरर टू द विलेज प्रेवलेंट? भराड़ा मेला, सिपी मेला, लवी मेला, सायर मेला? फटाफट बताएंगे।
बहुत बढ़िया। चांदनी चौधरी, अरविंद नदौन, ममता, HPPSC, बहुत बढ़िया। हाँ ठीक है। तो किस मेले में नाई द्वारा गांव वालों को शीशा दिखाने की प्रथा है? बहुत बढ़िया अवतिका, अंकित, जागृति। ठीक है, बहुत बढ़िया। समय समय सायर मेला, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ऑप्शन डी सायर मेला इज राइट आंसर है। कहते दारा शिकोह की पत्नी ने किस रियासत के बेटे राजा को अपने बेटे की तरह माना था? द किंग ऑफ विच प्रिंसली स्टेट, व्हाट इज द दारा शिकोह वाइफ हैज हर सन? गुलेर, बसोली, नूरपुर या मंडी? तो एज यूजुअल नूरपुर, नूरपुर के राजा को अपने बेटे की तरह मांगा था। तो नूरपुर का नाम जो है वो ठीक है, नूर जहां के नाम पर पड़ा था। नूर जहां जो है वो जहांगीर की पत्नी थी। किसकी पत्नी थी? जहांगीर। तो जहांगीर कब आया था? ठीक है, जहांगीर आया था 1622 ईस्वी में। ठीक है, जहांगीर ने कांगड़ा किले पर कब्जा कब किया? 1620 ईस्वी में। ठीक है, तो 2 साल बाद नूरपुर आया था। ऑप्शन जो है वो सी राइट आंसर है। ठीक है, नूरपुर रियासत के राजा को दारा शिकोह की पत्नी नादिरा बानू बेगम ने नूरपुर रियासत के शासक को अपने पुत्र के समान माना था। नादिरा बानू बेगम जो है ये एक मुगल शहजादी थी और पांचवें मुगल शासक शाहजहां के सबसे बड़े बेटे की पुत्री थी। ठीक है, तो ये शाहजहां के सबसे बेटे की पुत्री थी आपकी जो है नादिरा बानू बेगम। ठीक है, कहता हिमाचल प्रदेश में नदी बेसिन में सबसे अधिक जल शक्ति क्षमता है। विच रिवर बेसिन हैज द हाईएस्ट हाइड्रो पावर पोटेंशियल इन हिमाचल प्रदेश? रावी में है, चनाब में है, सतलुज में है, इनमें से कोई भी नहीं बराबर सकता है। बहुत बढ़िया सुनील कुमार, नीतू, शिवानी, सपना, बहुत बढ़िया तरीके से आगे बढ़ते हैं। सुनील कुमार, समय आपका समाप्त। इसका राइट आंसर क्या? ऑप्शन जो है ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सॉरी, हिमाचल प्रदेश में किस नदी बेसिन में सबसे शक्ति है? सतलुज में। ऑप्शन सी ठीक है, सतलुज में है नदी बेसिन में। ठीक है, ऑप्शन सी। कहते मुलगन घाटी हिमाचल प्रदेश में किस जिले में पड़ती है? मुलगन वैली फॉल्स इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? सिरमौर में, चंबा में, कुल्लू में, किन्नौर में? ठीक है, जल्दी से बताएंगे। कहते मुलगन घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में पड़ती है? मुलगन वैली फॉल्स इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? सिरमौर, चंबा, कुल्लू, किन्नौर? तो मुलगन घाटी जो है ये बेसिकली किन्नौर जिले में पड़ती है। ऑप्शन जो है वो डी राइट आंसर होगा। 6401 स्क्वायर किलोमीटर का इसका एरिया है। आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी कहाँ है? HPTU। ठीक है, हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? शिमला में है, धर्मशाला, मैकलोडगंज या हमीरपुर? फटाफट से बताएंगे। हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी, तो हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटीज कहाँ पर है? ये आपकी है, आपकी ये है हमीरपुर। ऑप्शन डी, हमीरपुर जो है वो जिला है। ठीक है, हमीरचंद ने इसकी स्थापना की थी और 1118 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है बराबर मात्रा में। बहुत बढ़िया। देखिए सेशन को आप लाइक कर दें। ठीक है, खीर खाई हमने कोहली, तो सेशन को लाइक कर दो। होली होली तो 110 बच्चा लाइव है, 110 लाइक कंप्लीट कर दो, दैट्स इट। और कुछ नहीं चाहिए, बस ये आपकी जिम्मेदारी है, आपको करना पड़ेगा। कहते चिन्मय तपोवन आश्रम हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? ठीक है, तो ये कांगड़ा जिले में है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। लिखा है कांगड़ा जिले में चिन्मय तपोवन आश्रम है। ठीक है, तो ये स्वामी चिन्मयानंद जो है भूमि के बंजर टुकड़े में आए थे और अंतर्ध्यान जानते थे और इन्हें पवित्र संपन्नों के साथ एक पवित्र स्थान जो है वो बना दिया। किस रियासत से सिब्बा रियासत का जन्म हुआ? ठीक है, तो बसोली से हुआ, त्रिगत से हुआ, गुलेर से हुआ, कुलूत से हुआ? इसका राइट आंसर क्या आएगा? बहुत बढ़िया। किस रियासत से सिब्बा रियासत का जन्म हुआ? तो ये हुआ ऑप्शन गुलेर रियासत से। गुलेर रियासत से सिब्बा रियासत का जन्म हुआ था। तो गुलेर रियासत हिमाचल प्रदेश के ठीक है कहां पर स्थित है, किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है? फटाफट से बताएंगे जल्दी से कमेंट सेक्शन। गुलेर रियासत हिमाचल के किस जिले में स्थित है? हिमाचल प्रदेश की किस घाटी को वीर भूमि के नाम से जाना जाता है? तो एज यूजल भाई साहब सीधा ही आंसर कांगड़ा, वीर भूमि। कुल्लू को देव घाटी के नाम से, ठीक है, देव घाटी के नाम से जाना जाता है। मंडी को छोटी काशी के नाम से, ठीक है, छोटी काशी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो कुल्लू की छोटी काशी कौन सी है? ये आपकी निरमंड है। कौन सी है? निरमंड है। कुल्लू की छोटी काशी निरमंड है, हिमाचल की छोटी काशी मंडी है। हिमाचल प्रदेश को देवभूमि कहा जाता है। ठीक है, चंबा को रावी घाटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चंबा को रावी घाटी। ठीक है, रावी घाटी। भरमौर को शिव घाटी कहा जाता है। ठीक है, भरमौर को शिव घाटी कहा जाता है, शिव घाटी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है हिमाचल प्रदेश के अधिकतर भाग किस वर्ष अंग्रेजों के अधीन आए? इन विच ईयर मोस्ट पार्ट ऑफ द हिमाचल प्रदेश केम अंडर द ब्रिटिश? 1857, 1946, 1846, 1947? फटाफट से बताएंगे। कहता है जहां तक तुम देख सकते हो जाओ, वहां तक चले जाओ।
जब आप वहां पहुंचोगे तो आप आगे देख पाएंगे। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात की। कहता है जहां तक पहुंच सकते हो वहां तक चले जाओ, जब वहां पहुंचोगे तो फिर और आगे देख पाओगे। क्या बात है, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। समय समाप्त हो, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। 1846 में मैक्सिमम जो है वो जगह घेर ली थी। 1846 में सिखों का भी अधिकरण जो है वो खत्म कर दिया गया। अगर मैं बात करूं गोरखाओं को, ऐसी टूटी बजाई गोरखा, पता क्या करते थे, गोरखाओं ने घेर लिया था ये पहाड़ी राज्य तिब्बत तुब्बत जाने के लिए, नहीं अंग्रेजों को जाने देते थे। अंग्रेजों ने बोला नहीं कि ऐसी की तैसी गोरखाओं, तुम्हारी ऐसी की तैसी, तो इन्होंने कर दिया युद्ध स्टार्ट, युद्ध की घोषणा कर दी। अंग्रेजों गोरखाओं का युद्ध हुआ, अरे भागे वहां से, ठीक है, उनको जाने देते थे ये, ठीक है, तिब्बत नहीं, तिब्बत वाले रास्ते से बिजनेस करने जाते थे ना ये चाइना में, तिब्बत में, तो नहीं जाने देते। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। साल किसकी सहायक नदी है? साल इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ प्यास, रावी, चिनाब, सतलुज। फटाफट से बताएंगे साल किसकी सहायक नदी है, फटाफट से बताएंगे, 10 सेकंड का समय आपके पास, जल्दी से चलिए, 10 सेकंड का समय आपके पास, देखिए, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है, जल्दी करेंगे यार, जल्दी, शाबाश। हाँ, सगोली की संधि हुई थी उसके बाद, इसका आंसर तो करो, साल किसकी सहायक नदी है, बहुत बढ़िया। समय आपका समाप्त हो, समय आपका समाप्त हो, इसका राइट आंसर, ठीक है, एक्सेलेंट इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है, एक्सेलेंट इन द कमेंट सेक्शन। तो ऑप्शन जो है बी राइट आंसर है। कहाँ गया, उल्टा हो गया पेन तो, ठीक है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। रावी नदी, तो रावी नदी जो है वो साल की सहायक नदी है। उत्तर की शिखर श्रेणियों में प्रवाहित होने वाली जलधारा होल खड था, पंचजंगला पर्वत श्रेणियों से बहने वाली बाली खड को कीड़ी खड कहा जाता है। अगर मैं बात करूं तो रावी नदी कहां से निकलती है, तो भाई साहब रावी नदी निकलती है कहां से, रावी निकलती है बड़ा बंगाल से, ठीक है, बड़ा बंगाल से। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है किस गुप्त सम्राट ने हिमाचल प्रदेश के राजाओं को अपना प्रभुत्व स्वीकार करने में लड़ती थी? विच गुप्ता एम्पायर चैलेंज द किंग्स ऑफ हिमाचल प्रदेश टू एक्सेप्ट सुजरेनिटी टू फाइट? चंद्रगुप्त वन, चंद्रगुप्त टू, स्कंद गुप्ता, समुद्र गुप्ता। जल्दी से बताएंगे, कोई क्वेश्चन कमेंट सेक्शन, बहुत बढ़िया। कहते समय समाप्त, इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, समुद्रगुप्त। राइट आंसर, समुद्रगुप्त ने हिमाचल प्रदेश के राजाओं को चुनौती दी कि आई जाओ जी ने मेरे ने लड़ना, तो सभी आई जाओ, तो सभी आई जाओ। आगे बढ़ते हैं। मुरांगला पर्वत चोटी कहां पर स्थित है? ठीक है, तो ये बेसिकली ये मुरांगला है लाहौल से, ये आसान सवाल है, ऑप्शन सी, मुरांगला पर्वत चोटी ऑप्शन सी में है, ठीक है। पपरोला कांगड़ा के आयुर्वेदिक कॉलेज का क्या नाम है? वॉट इज द नेम ऑफ आयुर्वेदिक कॉलेज एट पपरोला कांगड़ा? शिव आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट बैम्स कॉलेज, श्री सॉरी शिवा आयुर्वेदिक कॉलेज हॉस्पिटल कांगड़ा, राजीव गांधी आयुर्वेदिक पोस्ट ग्रेजुएट गवर्नमेंट कॉलेज। तो समय तो सारा समाप्त हुआ, तो ए आना आंसर, ऑप्शन डी, राजीव गांधी आयुर्वेदिक गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज राइट आंसर। पपरोला कांगड़ा में आयुर्वेदिक कॉलेज का नाम क्या है? ऑप्शन डी इज राइट आंसर। बहुत बढ़िया जागृति कैष्टा, बहुत बढ़िया शाबाश चंद्र कमेंट सेक्शन, रामकली, बहुत बढ़िया शुभम चौहान, मोहित बग्गा, डिंपल्स सियाल, बहुत बढ़िया अतुल, अमृता द ट्रेवलर। कह रहे हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले को हिमाचल प्रदेश के अन्य जिले कितने स्पर्श करते हैं? तो भाई साहब ये करते हैं कांगड़ा, हमीरपुर और बिलासपुर करते हैं, ठीक है, तो हाँ कांगड़ा, हमीरपुर और बिलासपुर जो है वो करते हैं, कांगड़ा, हमीरपुर और बिलासपुर। तो ऊना का एरिया 1540 स्क्वायर किलोमीटर, तो ऊना जो सबसे पहले, ऊना को जसवान दून के नाम से भी जाना जाता है, जसवान दून के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है, ठीक है, जसवान दून के नाम से। कांगड़ा जो है वो त्रिगर्त के नाम से जाना जाता था, कांगड़ा त्रिगर्त के नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो नूरपुर जो है, नूरपुर का पुराना नाम धमेरी हुआ करता, क्या हुआ था, धमेरी, ठीक है, नूरपुर का पुराना नाम क्या हुआ करता था, धमेरी हुआ करता था। उसके बाद की बात करता हूं, कहता है जब हम बात करें ठीक है बैजनाथ की, तो बैजनाथ का पुराना नाम क्या था, कीर ग्राम था, क्या था, कीर ग्राम था, तो कीरग्राम बैजनाथ का पुराना नाम था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बिना से, कहते हैं 3 जिले कांगड़ा, हमीरपुर और बिलासपुर। हिमाचल प्रदेश की कितनी मुख्य नदियां बहती हैं? हाउ मेनी रिवर फ्लो इन हिमाचल प्रदेश? 5, 4, 3, 2। तो समय आपका समाप्त हुआ, कहता है र से रावी, स से सतलुज, ठीक है, ब से ब्यास, ठीक है, र से रावी, स से सतलुज, ब से ब्यास, सी से चनाब, ठीक है, और कौन सी है, और एक रह गई, रावी, सतलुज, ब्यास, चनाब, और कौन सी है,
यमुना, ठीक है, यमुना है। कहता है रावी बड़ा बंगाल से निकलती है, बड़ा बंगाल से। सतलुज मानसरोवर तिब्बत से निकलती है। ब्यास ब्यास कुंड कुल्लू से निकलती है, बहुत बढ़िया। चिनाब चंद्रा और भागा के संगम से निकलती है, टांडी में संगम होता है, टांडी लाहौल में है। यमुना यमुनोत्री से निकलती है, परंतु हिमाचल प्रदेश में 22 किलोमीटर का सफर तय करती है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में कितनी प्रमुख नदियां हैं, इतनी ही हैं। बीजापुर शहर की स्थापना किसने की थी? हु फाउंडेड द सिटी ऑफ बीजापुर? सुशर्मचंद्र, संसारचंद, विजय रामचंद्र या वीरसेन? तो विजय रामचंद्र ने क्या की था, ऑप्शन सी, बीजापुर शहर की स्थापना की थी। आगे बढ़ते हैं। अशोक ने हिमाचल प्रदेश में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए किस भिक्षु का भेजा था? विच मॉन्क वॉज सेंट बाय अशोका टू प्रोपोगेट बुद्धिज्म इन हिमाचल प्रदेश? पद्म संभव को भेजा था, भिक्षुणी देव को भेजा था, मजिम को भेजा था या लोमा को भेजा था? 10 सेकंड का समय आपके पास, फटाफट से बताएंगे। लवली, बहुत बढ़िया, लवली लवली, बहुत बढ़िया। विकास कुमार, राधिका बंसल, दीपा कामटा, मोनिका, अमृता, गीता रनौत, बहुत बढ़िया, शाबाश। कृतिका ठाकुर, लक्षणा। देखिए 129 बच्चा लाइव है, 129 लाइक कर दो बस, दैट्स इट, नथिंग एल्स। समय समाप्त हो। मज्जिम इसका राइट आंसर, ऑप्शन सी, मज्जिम इसका राइट आंसर है। कहता है 1863 में किस ब्रिटिश अधिकारी को पहली बार चंबा राज्य की देखभाल के लिए नियुक्त किया गया? कहता है 1863 में किस ब्रिटिश अधिकारी को पहली बार चंबा राज्य की देखभाल के लिए नियुक्त किया? डलहौजी को किया गया, मेजर कैनेडी को, माउंटबेटन को या मेजर ब्लेड रीड को? फटाफट से बताएंगे, 10 सेकंड का समय आपके पास। एक्सीलेंट, समय समाप्त हुआ। तो ब्रिटिश अधिकारी को पहली बार चंबा के राज्य की देखभाल किया गया, मेजर ब्लेयर रीड को किया गया, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। कमला नेहरू अस्पताल का पुराना नाम क्या था? व्हाट वॉज द ओल्ड नेम ऑफ कमला नेहरू हॉस्पिटल? तेंजिन हॉस्पिटल, लेडी रीडिंग हॉस्पिटल, दीनदयाल उपाध्याय जोनल हॉस्पिटल, शिमला सेनिटोरियन हॉस्पिटल? फटाफट से बताएंगे, 50 लाख सेकंड का समय आपके पास। सपना देवी, बहुत बढ़िया। पूर्णिमा कौशिक, ठीक है, शिवानी वर्मा, शालू राणा, अमृता अम्मू, बहुत बढ़िया, शाबाश, एक्सेलेंट एक्सेलेंट, शाबाश। रूबी चंचल, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। डिम्पल्स से, बहुत बढ़िया, एक्सेलेंट। समय समाप्त हुआ। मोनिका कश्यप, समय समाप्त। तो अगर मैं बात करता हूं कमला नेहरू हॉस्पिटल जो है, अगर मैं बात करता हूं, बहुत बढ़िया, ठीक है, तो 1939 में गांधी जी ने कमला नेहरू हॉस्पिटल मेमोरियल की आधारशिला रखी थी। ठीक है, तो लेडी रीडिंग ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन बी। कहते तोमर राजपूत जेठपाल ने नूरपुर राज्य की स्थापना कब की? तोमर राज्य जेठपाल ने, भाई साहब 920 ईस्वी में चंबा शहर की स्थापना हुई, 1009 में ब्रजेश्वरी मंदिर लूटा गया, ब्रजेश्वरी मंदिर लूटा गया, 1000 ईस्वी में नूरपुर राज्य की जेठपाल तोमर राजपूत ने 1000 ईस्वी में स्थापना की। ठीक है, तो आप मुझे बताएंगे सुकेत रियासत की स्थापना कब हुई, सुकेत रियासत की स्थापना कब हुई, फटाफट से बताएंगे क्विक इन द कमेंट सेक्शन, जल्दी से, शाबाश। सुकेत रियासत की स्थापना कब हुई, जल्दी से बताएंगे, 10 सेकंड का समय आपके पास। चलिए, शिमला जिले के किस स्थान पर, ठीक है, माहू नाग मंदिर है? शिमला जिले के किस स्थान पर माहू नाग मंदिर है? ठीक है, माहू नाग है, चलिए जल्दी से बताएंगे। हाँ, बिल्कुल, बसोल, ढिढोग, जेली या खोब? तो ये ऑप्शन खोब में, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। कहते शहल किसका प्राचीन नाम था? शहल, हुज एंशिएंट नेम वाज शहल? उफरी, गुमारमी, पंजगाई, बिलासपुर या दालाघाट? 996 ईस्वी, 765 ईस्वी बोलते हैं, ठीक है। शहल किसका पूरा नाम था? दालाघाट का नाम था शहल, ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। सिरमौर जिला का पौंटा साहिब गुरुद्वारा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? पौंटा साहिब गुरुद्वारा ऑफ सिरमौर डिस्ट्रिक्ट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? सतलुज, रावी, चिनाब, यमुना? फटाफट से बताएंगे क्विकेस्ट इन द कमेंट सेक्शन। समय समाप्त हो। सिरमौर जिले का पौंटा साहिब गुरुद्वारा जो है ये यमुना नदी पर टिका हुआ है, ऑप्शन डी। डैन कुंड कहां पर है? ये बेसिकली आपका डलहौजी में है, चंबा में, ठीक है। डैन कुंड कहां पर है? ये आपका कहां पर है? चंबा में है, डलहौजी में, ठीक है। तो डैनकुंड पीक, जिसके सिंगिंग हॉल के नाम से भी जाना जाता है, डलहौजी में समुद्र तल से 2755 मीटर की ऊंचाई है, ठीक है, तो गलती से भी रात को मत जाना, डैन होती है। हिमाचल प्रदेश में शिमला में 1920 में आइस स्केटिंग रिंक किसने शुरू किया था?
जॉन केनेडी, बिल क्लिंटन, लॉर्ड मायो, ठीक है, ब्लेस्टिंग, तो ब्लेस्टिंगटन ने किया था, ऑप्शन जो है आइस स्केटिंग क्लब ब्लिंगस्टिंग ने किया था। कहता है हिमाचल प्रदेश की किस देशी रियासत के लोगों ने बेगार प्रथा के अनुमूलन की मांग की थी, जिसके परिणाम स्वरूप प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने गोली चलाई। द पीपल ऑफ विच प्रिंसली स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश डिमांडेड द एबॉलिशन ऑफ फोर्स्ड लेबर एज अ रिजल्ट ऑफ विच द ओपन फायर ऑन प्रोटेस्टर्स प्रोटेस्टर्स। गुलेर रियासत, मंडी रियासत, सुकेत रियासत, धामी रियासत। 10 सेकंड का समय आपके पास, जल्दी से बताएंगे फटाफट से इन द कमेंट सेक्शन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, समय समाप्त हो। ऑप्शन डी धामी रियासत, धामी गोलीकांड जो हुआ था। नूरपुर की राज्य, अभी मैंने बता दिया, तोमर राज्य जेठवाल, नूरपुर की स्थापना, ठीक है। चलिए, कहते किस नदी का सांस्कृतिक नाम विपाशा है, ठीक है, द संस्कृत नेम ऑफ विच रिवर इज विपाशा। ब्यास, सतलुज, चिनाब, रावी। फटाफट से बताएंगे क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन, जल्दी से सब लोग आंसर करेंगे, समय समाप्त हो। आपके इसका राइट आंसर है ऑप्शन सतलुज, इसका राइट आंसर है, ठीक है। कहते व्यास नदी धौलाधार पर्वत श्रृंखला को किस स्थान पर काटती है, ठीक है, तांदी में काटती है, बुंतर में काटती है, सलापड़ में काटती है, लार्जी में। तो व्यास नदी धौलाधार पर्वत श्रृंखला को लार्जी नामक स्थान पर काटती है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ठीक है, डी। तो व्यास नदी धौलाधार पर्वत श्रृंखला पर काटती है। कहते हैं हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय जो है वो कहां पर स्थित है, हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय कहां पर स्थित है, वेयर इज हिमाचल प्रदेश एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लोकेटेड, कांगड़ा, पालमपुर, धर्मशाला, चंबा। बहुत बढ़िया मुस्कान, आरती, बहुत बढ़िया ट्राइबल एक्सपीडिशन, लाहौल, डिंपल, बहुत बढ़िया अंशु। समय समाप्त, तो ऑप्शन बी पालमपुर इज राइट आंसर है। हिमाचल प्रदेश की राज्य सीमा हिमाचल प्रदेश के किन किन जिलों को स्पर्श करती है, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश टच द बॉर्डर विद हरियाणा स्टेट, सोलन और सिरमौर, सोलन और ऊना, सोलन और बिलासपुर, सोलन और लाहौल। तो पंचकूला हिमाचल प्रदेश के 3 जिलों को छूता है, सोलन, सिरमौर और चंबा के 1 जिले को, मोहाली को स्पर्श करता है। आगे बढ़ते, पंजाब के एक एक को स्पर्श करता है, ठीक है, चंबा बोल दिया। चलिए आगे बढ़ते, गिरी नदी किस शिखर से निकलती है, ठीक है, ऊंकांगड़ी से, पार्वती से, ग्रेनाइट चोटी से, कपूर पीक से। फ्रॉम विच पीक डज द गिरी रिवर ओरिजिनेट। समय समाप्त हुआ, ठीक है, जल्दी से बताएंगे शाबाश इन द कमेंट सेक्शन, जल्दी 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 शाबाश इन द कमेंट सेक्शन। गिरी नदी किस शिखर से निकलती है, तो मोनिका पूनम, ठीक है, मोनिका पूनम, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश इन द कमेंट सेक्शन। कूपर, बहुत बढ़िया। हिमाचल प्रदेश विधानसभा भवन का निर्माण कब हुआ, वेन वॉज द हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली कंस्ट्रक्टेड, 1946, 1948, 1924, 1950। इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है 1924 राइट आंसर आएगा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। सुकेत सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, हु लेड द सुकेत सत्याग्रह, मुंशी साजीराम, ठाकुर देवी सिंह, ठाकुर शिवचंद, पंडित पद्मदेव। इनका राइट आंसर क्या होगा, सुकेत सत्याग्रह का नेतृत्व पंडित पद्मदेव ने किया था, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, चलिए। कुल्लू जिला के नगर में स्थित त्रिपुरा सुंदरी मंदिर कौन सी शैली में बना हुआ है, इन विच स्टाइल इज द त्रिपुरा सुंदरी टेम्पल इन द कुल्लू डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिल्ट इन, नागर शैली में, बंसल शैली में, पैगोडा शैली में या बेसर शैली में। तो ये बेसिकली है त्रिपुरा सुंदर मंदिर जो है, सुंदरी मंदिर जो है, ये बेसिकली नगर में स्थित है, ये पगोडा शैली में बना हुआ, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए, कहते निक्का जो कि एक प्रसिद्ध चित्रकार थे, आपको बताना है कि वह हिमाचल प्रदेश के किस रियासत से संबंध रखते थे। निक्का हु वॉज अ फेमस पेंटर, यू हैव टू टेल दैट बिलोंग टू विच प्रिंसली स्टेट ऑफ, मंडी, चंबा, कुल्लू, नॉन ऑफ दिस, ठीक है। समय समाप्त हुआ, चंबा इज राइट आंसर, चंबा जो है गुलेर रियासत से चंबा आया था, ठीक है, इस राइट आंसर ऑप्शन बी चंबा। हिमाचल प्रदेश का कौन सा कथन 9 छेदों वाले गोल्फ कोर्स के लिए जाना जाता है, हिमाचल प्रदेश इज नोन फॉर द 9 होल गोल्फ कोर्स, डेर नाल, नाल का डेर, नाल डेरा या डोल कुआं। बहुत बढ़िया, एक्सेलेंट द कमेंट सेक्शन, बहुत बढ़िया। हिमाचल प्रदेश का कौन सा स्थान 9 छेदों वाले गोल्फ कोर्स, तो नालदेरा, ऑप्शन जो है वो सी इज राइट आंसर, नालदेरा गोल्फ कोर्स। बिलासपुर के किस शासक ने कुल्लू में शरण ली थी, विच रूलर ऑफ बिलासपुर टुक रेफ्यूज इन कुल्लू, मेघचंद, संसारचंद, सुशर्मचंद या विजयचंद, ठीक है। तो बिलासपुर के राजा ने, मेघचंद ने कुल्लू के राजा के पास शरण लेने के बाद दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश की सहायता से अपनी राजगद्दी हासिल की थी। तो बिलासपुर को कहलूर रियासत भी बोला जाता था, ठीक है, कुल्लू रियासत में आकर के उन्होंने शरण ली, ऑप्शन मेघचंद, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, मेघचंद। बहुत बढ़िया पूनम, हिमाचली, जागृति, बहुत बढ़िया, सुलक्षणा, कुशाल, ट्रेवलर, शालू, मोहित बग्गा,
श्वेता लुडू। चलिए, सिरमौर प्रजामंडल के पहले अध्यक्ष कौन बने? हु बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ सिरमौर प्रजामंडल? मदन सिंह, उग्रसेन, चौधरी शेरजंग, या इनमें से कोई भी नहीं। फटाफट से बनाएंगे सब कुछ। समय समाप्त तो आपका इसका राइट आंसर ऑप्शन चौधरी शेरजंग इसका राइट आंसर। कहते किस घाटी को बासपा घाटी के नाम से भी जाना जाता है? किस घाटी को बासपा घाटी के भी नाम से जाना जाता है? बल वैली, चुहार वैली, सांगला वैली, चौंतरा वैली। फटाफट से बताइए। देखिए, मैंने घाटियां पढ़ाई थी आज, ठीक है? तो मैंने घाटियां पढ़ाई थी। विच वैली इज ऑल्सो नोन एज बासपा वैली। तो इट्स तो किस घाटी को बासपा घाटी के नाम से भी जाना जाता है? बल वैली, चुहार वैली, सांगला वैली एंड चौंतरा वैली। तो ये बेसिकली है आपका, आज मैंने पढ़ाया है सांगला घाटी, ठीक है? सांगला घाटी, सांगला घाटी द ट्रेवलर, ठीक है? आज मैंने जो मैक्सिमम घाटियां खत्म होने वाली हैं दोस्तों, ठीक है? पेड बैच में घाटियां खत्म होने वाली हैं, तो घाटियां पढ़ाई जा रही हैं, बहुत सारी चीजें पढ़ाई। तो आप भी हमारी पेड क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, पटवारी के ज्वाइन कर सकते हैं, 27 तारीख से शुरू हो रही है। पुलिस का करंट बैच चला हुआ है और HPPSC पेपर 1 की प्रिपरेशन चली हुई है। चलिए, लूनी नदी किसकी सहायक नदी? तो भाई ब्यास नदी की है, सिंपल सवाल है, आगे बढ़ते हैं। कहता है कौन से वायसराय ने अपना अपनी बेटी का नाम नालदेरा के नाम से रखा था? किस वायसराय ने नालदेरा का नाम अपनी पुत्री के नाम पर रखा? लॉर्ड एमहर्स्ट, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन। ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कहता है विच वायसराय नेम इज डॉटर ऑफ द नालदेरा? नालदेरा। समय समाप्त हो। लॉर्ड कर्जन ने नालदेरा की प्राकृतिक खूबसूरती को देखते हुए अपनी बेटी का नाम जो है इसी के नाम पर कर दिया था। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के रिवालसर से किस ऋषि का संबंध रहा है? लोमाश ऋषि, व्यास ऋषि, भारद्वाज ऋषि, या पराशर ऋषि? बहुत बढ़िया, शिवानी वर्मा, बहुत बढ़िया। समय समाप्त। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन जो है वो लोमाश ऋषि राइट आंसर है। लोमा, देखिए व्यास, अगर हम रिवालसर की बात करते हैं, रिवालसर जो है ये बहुत ही सुंदर सुंदर रिवालसर है, ठीक है? ये इसका झील है और यहां पर स्थित है आपके जो पद्म संभव जी की मूर्ति। पद्म संभव जी की मूर्ति की बात करें तो पद्म संभव बैच भी शुरू हो रहा है भाई, पद्म संभव बैच शुरू हो रहा है। पद्म संभव बैच 27 जून से, पटवारी का 27 जून से बैच। फीस इन ओनली जस्ट 199, पूरी की पूरी फीस 199 है, पटवारी की पूरी प्रिपरेशन। ये रहा आपका गूगल पे नंबर, इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है? फुल टू फटैक प्रिपरेशन, ठीक है? हर एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, लाइव क्लासेस होंगी, रिकॉर्डेड क्लासेस होंगी। तो लोमाश ऋषि के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर सिखों का देवस्थान है, गुरु गोविंद सिंह जी आए थे, और लोमाश ऋषि और पद्म संभव 8वीं शताब्दी में करने वाले तपस्या और बौद्ध धर्म का प्रचार। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बेरी घाटी के नाम से सतलुज से मिलती है? किरांग, सोन नदी, अली स्ट्रीम, या गंबरखड़? कहता निम्नलिखित में से कौन सी नदी बैरी घाट नामक स्थान पर सतलुज से मिलती है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर जॉइन सतलुज एट द पॉइंट ऑफ बैरी घाट? बराबर से बताएं। समय आपका समाप्त। इसका राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन अली धारा, अली धारा स्ट्रीम। सोलन तहसील की अर्की में स्थित ये मंगू गियाना के पास निकलती है, बैरी घाट नामक स्थान पर सतलुज से मिलती है, ठीक है? आगे बढ़े, तो आपके लिए एक सवाल लाया हूं, आंसर करोगे? पहले यस या नो बोल दो, फिर दूंगा क्वेश्चन, फिर दूंगा भाई। कल का सवाल था टेढ़ा मंदिर का है, आज एक और खतरनाक सा मंदिर है, आपने बताना है कहां पर डिटेल। कल से बच्चों के, कल के भी स्क्रीनशॉट डाल दूंगा भाई। कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर कर देना, कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर कर देना। रेडी हो, रेडी हो क्वेश्चन के लिए भाई, बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है। समय समाप्त हुआ। कहते हैं दावत मंदिर हिमाचल प्रदेश में कहां पर है, ये कौन सी शैली में बना है और किसने बनवाया था? सारी डिटेल लिखना कमेंट सेक्शन में, मैं उसका लव रिएक्शन जो है वो जरूर दूंगा। दावत मंदिर जो है वो कहां पर है? दावत मंदिर या दवात मंदिर भी इसको बोला जाता है। थैंक यू सो मच ब्यूटीफुल पीपल। अगर आप हमारी क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो भाई साहब, HPPSC पेपर 1 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, 2 की करना चाहते हैं, तो भाई पुलिस का बैच भी रेडी है, पुलिस का बैच भी तैयार है। HP पटवारी का बैच जो है वो 27 से शुरू होगा, पुलिस का बैच शुरू है। तैयारी करने के लिए नीचे लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन है, और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए, जुड़ जाइए। थैंक यू सो मच ब्यूटीफुल पीपल। कल मैं बताना चाहता हूं, कल आप लोगों का एक टेस्ट है सभी सब्जेक्ट का। क्या आप लोग टेस्ट देने आओगे? फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट होंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट, एवरीथिंग इज फ्री।
फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट होंगे और आपको पधारना पड़ेगा, आप अपनी क्षमता चेक करो कि आप लोग क्या कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद, जय हिमाचल, टेक केयर ऑल, बाय, जय हिंद, टेक केयर, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑल बेस्ट। तो सुबह मॉर्निंग के सेशन में भी आ जाया करो, भगवान का वास्ता है भाई, तुम पढ़ते ही नहीं हो यार, करंट अफेयर याद कर लो, फिर कहां से तुम किसी के पास से एक साल के करंट अफेयर खरीदते रहोगे, तुम रोज पढ़ लो, एक साल के करंट अफेयर के लिए तुम 1000 रुपए की बुक खरीदोगे, पर पढ़ा तुमसे फिर भी नहीं है भाई, डेली का इतना इतना पढ़ लो, 10 ही सवाल होते हैं डेली के, पढ़ लो भाई, मैं बता रहा हूं भाई, पढ़ लो, चाहिए।